हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अमित आर्या। आप देख रहे हैं मेरा टेक्निकल चैनल यूट्यूब डे में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको एक फंड में प्रोवाइड करने वाला हूं। मैं पहले भी दे चुका हूं आप लोगों को, लेकिन मैं आपको फिर से दोबारा देने वाला हूं इस फंड को। और इसको आपको कैसे डाउनलोड करना है, सिंपली ये डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, 100% डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो फंड है आपके सामने, मैं यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ जो पवन सिंह जी का आया है सॉन्ग, जिसका नाम है आँख ना मिला पैबू हो, ठीक है। तो यही फंड आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक ना। तो आपको मैं ये फंड आपको मोबाइल में कैसे यूज करना है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद ये कैसे लिखना है, ये मैं आपको पहले बताऊँगा कि आपको इसको कैसे यूज करना है, आपको कैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि इस फंड को आपको कैसे डाउनलोड करना है। इसलिए मैं पहले बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है। मान लीजिए अगर आप फंड डाउनलोड भी कर लेंगे तो मोबाइल में नहीं यूज कर पाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को पूरा फुल देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरी नॉलेज में देने वाला हूँ। तो देखिए, इस फंड को लिखने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ता है एक एप्लीकेशन का, जिसका नाम है यूनिक कोड दोस्तों, ठीक ना। अगर आपको ये यूनिक कोड कहीं नहीं मिलेगा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आप देख लीजिए। ये यूनिक कोड डाउनलोड अगर आप करेंगे तो इसका यही स्पेलिंग है, UNICODEPAD, ठीक है। यूनिपैड इसका नाम है दोस्तों। तो इसको जैसे आप इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। और ये एप्लीकेशन ये फंड का नाम है कुर्ती देव मित्रा बोल्ड, ठीक है। तो ये फंड मैं आपको देने वाला हूं, तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि ये कैसे आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए ये पवन सिंह जी का मैंने जो आपको बताया था कि आँख ना मिला पैबू हो, ठीक है। अगर ये आपको आँख लिखना है तो आँख आप कैसे लिख पाएंगे, ठीक है। आपको मैं पहले बता दूँ कि इस फंड में हर एक चीज़ आधे आधा रहता है, ठीक है। आधे अच्छा, अगर अ रहेगा तो आधा अ रहेगा, क रहेगा तो पहले वो आधा, फिर आँख मंत्रा, फिर वो जो लटका रहता है चीज रहेगा, ठीक ना। तो ये चीज इतना मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आँख लिखना है तो देखिए आँख यहाँ पर आधा अ है, ठीक है, और आपको आँख मंत्र यहाँ पे है, तो इसको आपको डबल क्लिक करना है, हो गया। ऊपर यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ सब चल रहा है आ, ठीक है। और ऊपर आपको बिंदु देना है तो यहाँ पे बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आँख आ हो गया, ठीक ना। उसके बाद आपको यहाँ पे ख लिखना है तो यहाँ पे आपको आधा ख, फिर आपको यहाँ पे अ का मंत्र आती है, ये हो गया आँख, ठीक ना। तो ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आल सेलेक्ट कर देना है, कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको कहीं ना कहीं इसको आपको रख लेना है, ठीक है दोस्तों। मैं जैसे कि तो देखिए, जैसे जो मैंने आँख लिखा है तो उसका मैं कोड यहाँ पर लिख देता हूँ, और थोड़ा सा स्पेस करके फिर मैं आपको लिखूँगा यहाँ पर क्या चीज़ लिखना है, आँख ना, ठीक है। तो फिर आपको ना लिखना है, तो ना लिखने के लिए आपको आधा ना ढूंढना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि आधा ना कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक ना। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ आधा ना कहाँ लिखा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ भी अगर ढूंढे तो आप थोड़ा ध्यान से ढूंढे, ठीक ना, क्योंकि बहुत बारीकी से। तो देखिए यहाँ पर ना लिखा है तो यहाँ पर ना लिखेंगे, और फिर आपको आ का मंत्र दो बार करेंगे ना, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ से इसको क्या करना है, आल सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आँख ना मिला पेबू, ठीक है। तो फिर आपको लिखना है मिला, ठीक है। तो आपको लिखना है तो मिला, तो यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है। फिर आपको लिखना है मिला, तो पहले आ का मंत्र रहेगा, फिर आपको छोटी बड़ी जो होता है मंत्र उसको आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, कोई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि ये है कि नहीं है, आप अगर ध्यान से ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है, फिर आपको आधा मा लिखना है, फिर आपको आ का मंत्र लिखना है मिला, ठीक है। तो आपको लॉ लिखना है तो लॉ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आधा लॉ, फिर आपको आ का मंत्र यहाँ पर करना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो आपको ये चीज़ हो गया आँख ना मिला पैबू, ठीक है। अब आपको लिखना है पैबू, ठीक है। तो पैबू किस तरह लिखा है आपको मैं पूरा डिटेल दिखा देता हूँ। इसी तरह आपको कोई भी एल्बम का नाम ऐसे लिखना है, तो पैबू में पहले आपको यहाँ पे आधा प है, ठीक है दोस्तों।
आधा प, फिर ई का मंत्र आपको ढूंढ लेना है, ई, तो ई यहाँ पे है। बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें पूरा पूरा नहीं लिखा रहता है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें हर एक चीज़ लिखा रहता है, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं ढूंढेंगे तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए मैं इस वीडियो में पूरा मैं आपको एक एल्बम का नाम मैं लिख के बताना चाह रहा हूँ कि आपको फिर गलत फहमी में आप मत रहिएगा कि इसमें नहीं रहता, इसमें हर एक चीज़ रहता है, बस आप ढूंढ नहीं पाते हो ध्यान से। तो देखिए दोस्तों, आप ऊपर नीचे ऐसे करके ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे ब लिखने के लिए आधा ब रहेगा, फिर यहाँ पे आ का मंत्र लिख दीजिएगा, हो जाएगा। फिर आपको नीचे वाला जो मंत्र लिखना है इसमें भी आपको मिल जाएगा, तो आप ध्यान से इसमें देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊ का मंत्र है पैबू, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे आल सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे अपने व्हाट्सएप में इसको सेव कर लेना है, ठीक है। अब आपको क्या चीज़ लिखना है, आंकना पिला पैबू हो, ठीक है। तो आपको हो लिखना है, तो फिर आपको हो लिखने के लिए, तो देखिए यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर आपको ओ का मंत्र देना है, तो ओ के मंत्र के लिए यहाँ पे हो, एक मंत्र हो, ठीक है। उसके बाद आपको एक छोटा सा बिंदु ऊपर जो रहता है वो आपको दे दीजिएगा, तब भी बढ़िया, नहीं दीजिएगा तब भी बढ़िया, ठीक है। चलिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करके यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब चलिए आपको क्या करना है, ये सारा चीज़ एक ही बार में आपको यहाँ पे आल सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको जाना है अपने पिक्सल लैब में, इसका भी मैं लिंक दे दूँगा दोस्तों इस वीडियो में, हर एक चीज़ का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो न्यू टेक्स्ट है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ए पे क्लिक करके टेक्स्ट कर दूंगा, टेक्स्ट करने के बाद जो चीज़ मैंने वहाँ पे लिखा था यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं दोस्तों। अब ये देखिए, ये दूसरा चीज़ में आ गया, तो यहाँ से आप फंट, यहाँ से आप देखिए, यहाँ जो फंट है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। माई फंट में आने के बाद देखिए, अब देख कितना बेटर ये लग रहा है। मैं थोड़ा सा इसको आपको बड़ा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि ये फंट मैंने किस तरह यूज़ किया, कैसे कैसे लिखा, हर एक चीज़ ये फंट में है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताने चाहता हूँ कि ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगा ये फंट। तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसमें कोई पासवर्ड नहीं है दोस्तों, ठीक ना। आप वहाँ से सिंपली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी मैं आगे लेकर आऊँ तो आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।